गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग निकल चुके हैं पटनी टॉप के लिए। हमने यहाँ से लोकल कैब हायर कर ली थी और कल हुआ यूँ कि रश बहुत ज़्यादा था। अवन में पहुँचे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बारिश शुरू हो गई बच्चों के साथ। जैसे जैसे वापस लौटे रात में 3 बजे तक, आगे कुछ व्लॉग नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया। और फिलहाल में हम लोग निकल चुके हैं पटनी टॉप के लिए। पटनी टॉप में हमारा एक रात का स्टे है, वहाँ का लोकल एरिया कवर करेंगे और फिर हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल में हम लोग रुकेंगे यहाँ के लोकल फूड एक्सप्लोर करने के लिए। अंशु खाओ आगे, अंशु का कराडी मुझे लग रहा है ये एकदम चीज़ की तरह नहीं लग रहा, पनीर पनीर पिज्ज़ा की तरह है। देख के देखिए देखो देखो चीज़ की तरह मेल्ट हो रहा है, जैसे क्या मस्त मेल्ट हो रहा है अंशु। कैसा है अंशु? तो कल हमारे भैरव बाबा के दर्शन नहीं हो पाए थे, तो हम जब भी कैब में जा रहे थे तो हमारे से साथ जो ड्राइवर भैया है उन्होंने कहा यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ दर्शन करके हम अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो ये है भैरव बाबा का मंदिर। तो हम लोग खाली खाली दर्शन करने आए हैं भैरव बाबा का। और हम अब तब तब बोलते हैं जब तक भैरव बाबा के दर्शन नहीं होते बोलते तब तक यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। तो अब हम लोगों के फाइनली दर्शन यात्रा पूरी हो चुकी है, हमने भैरव बाबा के दर्शन हो गए हैं कि आपको टूवर्ड्स पटनी टॉप मिलेगा मंदिर। और तो अब हम यहाँ से निकलते हैं आगे पटनी टॉप के लिए। तो भैया आज क्या क्या कवर करेंगे हम लोग? ऐसा करते हैं ना, हाँ आज चलते हैं सीधे सीधे, पहले अभी सबसे पहले आएगा गंडोला राइड, हाँ फिर गंडोला में जाना होगा तो आज चले जाना सीधे अभी। उसके बाद नाग मंदिर देख के सीधे चलेंगे होटल, होटल ठीक है, होटल में देख के अगर टाइम होगा शाम का टाइम ग्रीन पार्क के बाद चलेंगे। ठीक है भैया, ठीक है भैया। उसके क्या होटल, प्लेन के शेप में होटल, वही तो बोले देखो प्लेन के शेप के अंदर होटल है, वही बच्चों के में तो कुछ वो होगा राइट। एक्चुअल का प्लेन है, व्हील्स है, हाँ उसमें होटल क्या होगा, मैंने इसको उन्होंने यहाँ पर कमर्शलाइज कर दिया है। हमारे होते ना चार्टर प्लेन उसमें, और देखो डोम शेप जो मुझे वो है होटल दिख रहा है, वो रहा है हाँ वो डोम शेप, ये एक्चुअल प्लेन है, ये एक्चुअल प्लेन को उन्होंने रेस्टोरेंट बना दिया, कन्वर्ट कर दिया, ये अच्छा बिजनेस का हुआ है। और हम आ चुके हैं इंडिया की लॉन्गेस्ट रोप पे गंडोला राइड, और यहाँ से व्यू क्या मस्त है। हम चाहते हैं गंडोला राइड करते हैं रोप वे, और फिर जाते हैं आने जाने का। हमने दोनों ओवर लिया है 1,050 का पाया ना पर टिकट, 1,050 पर टिकट, और बच्चों का 980 टोटल हमने पे किया 3,080। ठंडा है यहाँ पर, ऊपर नीचे गर्म था, गर्म तो नहीं मतलब नॉर्मल था, लेकिन यहाँ के ठंडा हो गया है।
बॉब्ड वायर है बेटा, लग जाएगी हाथ में। बॉब्ड वायर, उसमें कांटा निकले हुआ ना। चले चलो शुरू करें, चलो फटाफट आते हैं। बाकी अगर रास्ते में रुकेगा तो ये सब ने लाइट दिया, एक बार लाइट कट हो जाता है तो 3 से 4 मिनट लगते हैं दोबारा स्टार्ट। अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक यू बाय। उसे देखो, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट एंड रेड, उसे ये तो प्लेन है लगता है ना। इससे विंड का डायरेक्शन पता पड़ता है कि विंड किस तरफ की उड़ रही है, विंड डायरेक्शन। मजा भी क्या बनाया है, स्ट्रक्चर मस्त है ना, कितना टिम्बर बनाया स्ट्रक्चर है, रॉक सॉलिड। सिक्स कितना 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 लंबा है, इसकी लेंथ कितनी है रोपवे की? कुछ 5.6 किलोमीटर बोला कुछ। अच्छा नीचे पेड़ है और यहाँ पर जब स्नो गिरती हुई तो क्या मस्त लगता होगा ना। अपन लोगों का गुलमर्ग में जो गंडोला राइड पूरा व्हाइट व्हाइट था, पूरा व्हाइट, यहाँ पूरा ग्रीन ग्रीन है, जो दोनों हो गया। वाह ये बड़ा कौन सा चल गया, एक फीट दो फीट तीन फीट वन फोर फीट है। हाँ आप ऊपर बढ़ के वाह लगे आ गए बताए। ज्यादा मत चलो यार, मेरे घुटने वैसे ही बोल रहे हैं। ठीक है आते ही या स्लाइड करते हैं कुछ, पहले हम फोटो खींचते हैं स्काई व्यू। वॉशरूम कहाँ और था, कहीं और था ना, अभी तो रुक जा अभी। यार मस्त व्यू लग रहा है यहाँ से, देखो ये क्या बात है, ये बात है, व्यू क्या मस्त लग रहा है। आगे से गुस्सी आ रही है, रुक जाओ बैठ लेंगे। ये हमारा रिटर्न है, नहीं इनका रिटर्न होगा, नहीं ये तो यहीं तक जाएंगे ना। देख रहे तो आ रही है हवा की, नीले नीले अमर पे हवा जब चलती है तो मागी बत्ती गुल होती है, गंडोला हिलती है, दोनों बड़ा मजा रहा है, और माँ को चक्कर आता है। चक्कर नहीं आते, जोर से चक्कर आते हैं, और माँ को दर्द लगता है, और हम ऊपर जाते हैं और हम माँ के मजे लेते हैं और माँ रिकॉर्डिंग करती है। तो मक्का रहे दोनों के दोनों, देखो नीचे भीड़ बकरी जा रही है पुल पे, वो तो हिल रही है हवा से। ओ माँ का दिल तो अभी खोपड़ियाँ हटाओ पहले, तो आपको पेड़ की तरफ ही जाना, क्योंकि पेड़ की तरफ जाते वक्त आपको थोड़े बहुत खरोच जाएंगे पर आप बच जाओगे। ठीक, मेरे फोन के GoPro की बैटरी डेड हो रही है, चार्ज करना है। अब हो कुछ भी अंशु कर भाई पटी लो। और आगे की कार्रवाई में है अंशु के लिए कोई स्पोर्ट्स जैसे कि हॉर्स राइडिंग, मैं हॉर्स राइडिंग करूंगा। ये कहां से बजा, यहां कोई स्पीकर है क्या, पता कोई स्पीकर अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर होगा ना, तो अभी हम फटाफट पहुंचते हैं पटनी टॉप जहाँ से हमने स्टार्ट किया था रोप वे राइड किया, वहाँ से हम निकलेंगे पटनी टॉप पार्क के लिए या फिर जाएंगे हम लोग नाग देवता टेम्पल। कुछ भी अंशु चलो उतरो चलो अंशु फिर से ढलान यार नागमन नाग देव मंदिर है 400 साल पुराना मंदिर और आई हेट दिस ढलान, फिर से ढलान शुरू हो गई। वायु पहाड़ों में और ढलान और चढ़ाई ना मिले, जय माता जी का यहाँ लगा पट्टा हमारे पास लद्दाखी चिंगू दिखा रहे हैं।
देख लो शॉल है, सूट है, ड्रेस है। और ये है नाग देवता मंदिर, इसके बाहर का व्यू बहुत ही सुंदर है। ये मंदिर 400 साल पुराना है, इसमें दर्शन सब कर सकते हैं, लेकिन अंदर जाना सिर्फ जेंट्स को अलाउड है, औरतों का जाना अंदर अलाउड नहीं है। इसका एंट्री का दरवाज़ा बहुत छोटा है, लेकिन अंदर से जगह है। तो फिलहाल मैं बाहर वेट कर रही हूँ, मैंने हाथ जोड़ लिए। अब मोक्ष और उसके फादर अंदर गए हैं। आई थिंक यहाँ पर कोई नया मंदिर कंस्ट्रक्ट हो रहा है साइड में, और बाहर का जो व्यू है ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब यहाँ से मंदिर से निकलते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन या तो होटल में चेक इन करेंगे या जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ आपको बताएंगे। है एग्ज़िट, हम लोग निकल रहे हैं, तो जो हमें पता पड़ा है उसके हिसाब से ये जो इच्छाधारी नाग और नागिन थे 400 साल पहले, उन्होंने कंडी का रूप धारण किया अपनी मर्जी से, और तभी से ये 400 साल से ये मंदिर बना हुआ है नाग देवता मंदिर। तो बेसिकली जो इच्छाधारी नाग नागिन थे उन्होंने पिंडी का रूप ले लिया था। और अभी हम आ चुके हैं पटनी टॉप के ये गार्डन में, सर नाम क्या वो तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर आपके गवर्नमेंट के कॉटेजेस हैं, यहाँ एक्टिविटीज़ है लाइक जिप लाइन है, हॉर्स राइडिंग है। हॉर्स राइडिंग में ये लोग कुछ 5 पॉइंट्स कवर करते हैं, एप्पल गार्डन, कश्मीर वैली, और कुछ है जिसके चार्जेस समवेयर अराउंड 820 है। यहाँ बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, ट्रैम्पोलिन है, और उस साइड में भी कुछ है एक्टिविटीज़, शॉल वॉल का शॉप्स है, खाने आने का है, और वो ट्यूब है जिसमें रोल करते हैं, झूले वूले, बाकी इतना ही है। थोड़ी देर के लिए बच्चों के लिए सही है। हाँ बेटा, ओ भाई साहब, ओके गाइस, तो हम लोग रूम में अभी चेक इन कर चुके हैं। हमने बुक किया होटल नटराज इंटरनेशनल, जो बाहर से देखने में बिल्डिंग थोड़ी खंडर टाइप लग रही थी, आई मीन काफ़ी ओल्ड, बट रूम आर प्रिटी गुड। तो हमने लिया है वैली व्यू रूम, ये एंट्रेंस करते कैबिनेट है। अंशु तो बेटा, एंड दिस इज द वॉशरूम। ये है किंग साइज बेड है, सोफा है, एंड द बेस्ट पार्ट, अरे चूहे, द बेस्ट पार्ट इज दिस, और वहाँ जो पहाड़ है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ भी है। औसम नांशु हैप्पी। तो ये बाहर से नाग देवता टेम्पल है, यहाँ पर हम हो गए थे, जो एंट्रेंस जो है वहाँ पर वो नाग देवता टेम्पल भी है। तो हमने आपको रूम दिखा दिया, एंड अभी हम आराम से फ्रेश फ्रेश होंगे, खाएंगे और जल्दी सोएंगे, क्योंकि कल की बहुत ज़्यादा थकान है। पहले भैया ग्राउंड फ्लोर का रूम दे रहे थे, लाइक भैया एटलीस्ट एक फ्लोर तो ऊपर दो ना, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा एटलीस्ट दो, तो उन्होंने कहा नहीं दो, उसके ऊपर अवेलेबल नहीं है, उन्होंने चलो ठीक है एक फ्लोर का ऊपर दे दो, तो फर्स्ट फ्लोर पर दिया है ग्राउंड फ्लोर की बजाय। ये है सुबह के नज़ारे रूम से, खिड़की से सुबह से ऐसे बादल बहे जा रहे हैं पानी की तरह, फिर थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, फिर भर जाएगा, फिर क्लियर हो जाएगा, हाँ ऊपर से बादल बहते चले आ रहे हैं। देखना पूरा सफेद हो गया है, कुछ ना दिख रहा। अभी तो पूरा साफ था, अभी 2-5 मिनट पहले पूरा साफ था।
और 5 मिनट में फिर से साफ हो जाएगा। भाई साहब पूरा ही ढक गया ये, देखो कुछ नजर नहीं आ रहा इसमें।